पिछले 4.5 साल में भाजपा का नेतृत्व में केंद्र में सरकार रही है, पूरे देश में लगभग ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन इन्होंने एक भी घोटाला नहीं कर पाई है। ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि विपक्ष मजबूत था, विपक्ष में कांग्रेस सरकार थी, इसलिए इन लोगों को घोटाला नहीं करने दिया। तो मैं सभी जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि हमेशा कांग्रेस को विपक्ष में रखना है, ताकि सत्ताधीर पार्टी कभी भी घोटाला नहीं कर सके। तो आप सबसे यही निवेदन है, 4.5 साल के अंदर जो जिस तरीके से कांग्रेस ने विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई है, आगे भी हम कांग्रेस को विपक्ष में रखना चाहते हैं और विपक्ष में रहेगी, ताकि सत्ताधीर पार्टी कभी भी जो है घोटाला नहीं कर सके। तो आप लोगों ने पिछले 20, 30, 40, 50, 60 सालों में देखा होगा कि जिस प्रकार से विपक्ष में कमजोर पार्टी रही और सत्ताधीर पार्टी ने कितने घोटाले करे, उसको देखते हुए हम चाहते हैं आगे भी विपक्ष में कांग्रेस रहे और सत्ता में बीजेपी रहे। एक पहले तो ये है, दूसरा मेरा खुद का दर्द मैं बताता हूँ आपको, ये तो काट देता मेरा सबका दर्द आपका भी है, स्टार्ट मेरा मैडम का इनका सबका दर्द आप सब लोगों का। प्रधानमंत्री ने भाषण में बोला था 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, तो 15 लाख रुपए बिना ब्याज का पैसा है, 1 रुपया ब्याज नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमको हमारे 15 लाख चाहिए। जब तक ये प्रधानमंत्री हमारे 15 लाख रुपए नहीं देगा, तब तक हम इसको प्रधानमंत्री पद से लेटने देंगे। ऐसा मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा जो काला धन था जिसको कांग्रेस ने बाहर भेजा था, उसको लाने की इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी। जब तक वो पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, नहीं जाने देंगे इसको प्रधानमंत्री के पास नेट नहीं देंगे। इसलिए हमारे को या तो 15 लाख रुपए दो इनको हटवाना है, तो नहीं तो हम इनको हटवाना नहीं देंगे पद से।